प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में 125वीं वर्षगांठ का जो पूरा सिंधिया स्कूल का कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ छात्र मौजूद हैं उनसे बातचीत प्रधानमंत्री इस बीच करते हुए नजर आ रहे। जो प्रदर्शनी लगाई गई है स्कूल की तरफ से उस प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं वहाँ पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जहाँ बच्चे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में जानकारियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में सिंधिया स्कूल जिसका 125वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में शामिल होंगे और छात्रों का जो घुड़सवार दस्ता है वो प्रधानमंत्री की अगुवानी करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी बच्चों के द्वारा उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया, बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है उसके बारे में जो छात्र हैं वो जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सिंधिया स्कूल ग्वालियर की 125वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में शामिल होंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल ग्वालियर का आज 125वां स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस दौरान जब वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे तो उनके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंच चुके हैं जहां एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जब स्कूल में पहुंचे तो सबसे पहले जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही जो छात्र वहां पर मौजूद हैं उनसे एक एक करके जानकारी भी ले रहे हैं, सीधा संवाद उन बच्चों से कर रहे हैं। अनुज, देखिए बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है इस सिंधिया स्कूल के लिए क्योंकि 125वां जो स्थापना वर्ष है उसका आज यहाँ पर कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आज शिरकत कर रहे हैं। और सबसे पहले जो आपने देखा कि जो महाराज जीवाजी राव हैं उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस स्कूल का जो इतिहास है उसको एक प्रदर्शनी के माध्यम से कृतिका यहाँ पर समझाया गया। यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने ही प्रधानमंत्री को इसके बारे में पूरी जानकारी दी और यहाँ पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर शिलान्यास करते हुए, पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो पुरातन छात्र हैं, स्वागत में आसमान से फूल बरसाने लगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष जी, सर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, आदरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी, आपके आगमन से सिंधिया स्कूल का 125वां जयंती उत्सव ओजस्वी हो गया है। सिंधिया स्कूल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। कुछ ही समय में विद्यालय गान होने को है। विद्यालय गान के साथ ही आप देखेंगे एक विशेष प्रस्तुति। हमने सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में खास आपके लिए एक उत्सवी गीत लिखा है और उसे संगीतबद्ध किया है और आज खास आपके लिए हम इसे लाइव प्रस्तुत करेंगे। अब विद्यालय गान होगा। Oh.
तपस्थली पर बसे हुए अविराम, पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, हे विद्या के धाम। See you.
ये थी सिंधिया स्कूल की आपके स्वागत में संगीतांजलि। लीजिए अब नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत है आपके सामने गरबा गीत माड़ी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लिखा है और सिंधिया स्कूल के पूर्व छात्र मनमीत हरमीत सिंह की संगीत जोड़ी ने संगीतबद्ध किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें मीत ब्रदर्स का। आप सभी को उम्मीद रोज की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि गाना जो हमने बनाया है जिसका नाम है माड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है और आज उन्हीं के सामने हमें गाने का मौका मिल रहा है। Everybody, you have to clap, come on. रमो आज नवरात्रि आवी रात, रुम झुम रमो आज नौरतनी आवी रात, छोरू ने मड़ी आज दर्शन नी सौगात, दर्शन नी सौगात। हो लाल चुंदड़ी मान सोहाए रे, माना मांडवड़े मोती बेरा चुंदड़ी नव मलहराए, आवे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदड़ी नव मलहराए, लाल लाल चुंदड़ी नव मलहराए। हो लाल चुंदड़ी मान सोहाए रे, मन मांडवड़ी मोती बेराए, पाड़ी आवे थी आवती लाल चुंदड़ी अब मलहराए, लाल लाल चुंदड़ी तनु मलहराए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा मौका हमें दिया कि आपका लिखा हुआ गीत हम कंपोज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड राजमाता जी, महाराज साहब, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। एंड ऑन द एंडिंग नोट टू ऑल द सिंधीज आउट देयर, लेट्स शाउट आउट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिंधिया इज द बेस्ट। थैंक यू, बक अप सिंधिया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा गया यह अद्भुत गीत जो मीत ब्रदर्स ने बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया, वह आज पहली बार परफॉर्म किया गया है और आज आप सभी इसके साक्षी बने। करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। ये थी सिंधिया स्कूल की आपके स्वागत में संगीतांजलि। ये स्कूल क्या है? एक सपना है, एक सपने का हकीकत में बदलना है। विचारों का मूर्त रूप है, एक आंगन में सपनों को सहेज कर पालना है। जैसे सांस पर आवाज, संगीत की लहरियों का ताना बाना जैसे इस लोक में भी देवलोक रच देता है, वैसा ही है स्कूल ये। सरदार स्कूल नामक इस पौधे को श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने जल विहार में रोपा था। आज वह ऋषि गालव की तपोभूमि पर सिंधिया स्कूल नामक वटवृक्ष के रूप में फल फूल रहा है। यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने समाज में अपनी पहचान बनाई, देश में प्रतिष्ठा प्राप्त की और भविष्य के लिए प्रतिमान गढ़े। हम सिंधियन पुरखों की वाणी को अमल में लाने वाले थे, आज हम उन पुरखों के वचनों को विरासत के रूप में सहेज रहे हैं और स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी राह पर काम कर रहे हैं जो समाज की उन्नति और देश को समृद्ध बनाने की दिशा में जाती दिखे और सुनिश्चित करे कि हमारा ध्येय राष्ट्र को सशक्त बनाना ही हो। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि रामावतार त्यागी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री जी,
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी एवं सिंधिया स्कूल के प्राचार्य महोदय, आप सभी गणमान्य अतिथियों को बड़े ही आदर के साथ मैं इस भव्य मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सभी स्वागत करें इन महानुभावों का। सिंधिया स्कूल परिवार मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का हृदय से स्वागत करता है। औपचारिक स्वागत के लिए मैं सादर अनुरोध करूंगा सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत एवं अभिनंदन करें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी, जो स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया गया है वह अस्ताचल की प्रतिकृति है, जहां नित्य प्रति सांझ को बैठकर हम सिंधियन आत्मावलोकन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी स्वागत करें श्री मंगू भाई पटेल जी का। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पुनः निवेदन है कि वे सिंधिया स्कूल के ओर से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री अजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वे श्री जितेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय श्री जितेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय।
आप सभी महानुभावों की उपस्थिति से सिंध्या स्कूल गौरवान्वित महसूस करता है। गालव ऋषि एवं गुरु गोविंद सिंह जी के तेज से प्रकाशित भूमि पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं स्वागत अभिभाषण के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ सिंध्या स्कूल प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंध्या जी को। तालियों से स्वागत करें श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंध्या जी का। हमारे इस मंच को सुशोभित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी विश्व स्तरीय में लोकप्रियता आज इतनी अपार हो चुकी है, हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल साहेब, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे शासक मंडल के सदस्यगण, हमारे प्राचार्य अजय सिंह जी, हमारे अध्यापकगण, हमारे स्कूल के समस्त छात्र जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे अभिभावकगण एवं पूर्व छात्रगण जो बड़े तादाद में विश्व भर पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इतिहास बनाने के लिए दशकों की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक ही क्षण में इतिहास बन जाता है। और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति सिंध्या स्कूल की 125वीं वर्ष की जयंती के अवसर पर हमारी संस्था की नए अध्याय की शुरुआत करती है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि सिंध्या स्कूल के इस 125 वर्ष के सफर में शायद ये हमारी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज के समय में उपस्थित हो रही है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी, सिंध्या स्कूल के समस्त परिवार गणों के तरफ से हमारे इस 125वीं जयंती के अवसर पर हम हृदय से कृतज्ञ हैं और आपके हृदय से हम आपके स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रधानमंत्री जी का सिंध्या स्कूल के परिसर में स्वागत करें। आज जो हमारे मन में भाव है उसका बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति ने आज स्कूल के एक एक सदस्य खुशी और गर्व से, तन और मन और दिल से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि शिक्षा केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक देश के भाग्य को बदलने का यंत्र है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने सिंध्या स्कूल की आधारशिला रखी थी। केवल सिंध्या स्कूल की आधारशिला नहीं, लेकिन ग्वालियर में आधुनिकता की दीप जलाई थी और इसलिए उन्हें नवीन ग्वालियर के निर्माता के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। उनकी सोच और विचारधारा थी कि क्षेत्र के लिए
हमारे क्षेत्र के शासकीय अफसरों के लिए, जनसेवकों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा नेतृत्व तैयार करने की एक संस्था होनी चाहिए। और इसलिए शुरुआत से आज तक हमारी संस्था भारत माता की संस्कार और भारत माता की संस्कृति, संस्कार और संस्कृति को लेकर आधुनिकता के रास्ते पर चलकर विश्व स्तरीय नेतृत्व पैदा करने के लिए सिंधिया स्कूल की संस्था सदैव संकल्पित रही है। हमारी सोच और विचारधारा कि जैसे जैसे सदियां बदलती हैं, विश्व में एक नई चुनौती या क्रांति आती है, सिंधिया स्कूल सदैव अग्रम पंक्ति में रही है उस चुनौती का सामना करने के लिए या उस क्रांति का भाग बनने के लिए। उदाहरण के तौर में सन 1980 में जब पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा था विश्व भर में, सिंधिया स्कूल पूरे भारतवर्ष में पहला विद्यालय था जहां आईटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और हम कल्पना करें, छठवीं सदी का यह दुर्ग है और छठवीं सदी के दुर्ग में कंप्यूटर के प्रोसेसर की आवाज उस दीवालों तक गूंज गूंज तक पहुंची और हमारे एक एक विद्यार्थी के मस्तिष्क और दिल में पूर्ण रूप से स्थापित हुई। और वैसे ही आज जब विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का चुनौती है, तो फोर्ट बायोस्फीयर प्रोजेक्ट के आधार पर हम अपने नौजवानों में इसके सामना करने के लिए पूर्ण क्षमता तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सदैव ये कोशिश रही है कि अच्छा एक मस्तिष्क होने से ज्यादा अच्छा चरित्र हो। हमारी कोशिश रही है कि एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ साथ एक केयरिंग माइंडसेट एक एक बच्चे में पनपा जाए। और आज हमें गर्व है कि सिंधिया स्कूल के इस विशेष एवं शुभ अवसर को चिरस्थायी और अलौकिक बनाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके साथ में आज उपस्थित हैं। यहां बैठी हुई अमृत पीढ़ी के लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि इस अमृत पीढ़ी को एक रोल मॉडल के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। चाहे हम देखें नेतृत्व, कार्य करने की क्षमता, तौर तरीके, इन सभी में एक केस स्टडी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री हम सब देशवासियों के समक्ष हैं। मैंने स्वयं 3 सालों में मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत सीखा है। हमारे देश मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कैसे कार्य करना, डिलीवरी पर फोकस कैसे करना, टाइमलाइंस का महत्व समझना और नेतृत्व जहां एक तरफ संवेदनशील भी हो और नेतृत्व में ह्यूमन टच भी हो, ये हमें प्रधानमंत्री के उदाहरण से अपने जीवन में अपनाने का अवसर मिला है। सिंधिया स्कूल के हमारे सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि आज आप उस कालखंड में जी रहे हो जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपना परचम 18वीं शताब्दी के बाद दोबारा लहराने के लिए अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव कहते हैं कि भारत के लिए यही समय है, सही समय है। और आज मैं अपने स्कूल के बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने वो अवसर खोले हैं कि जब आप बड़े होकर विश्व में जहां भी जाओगे, आपके भारतीय होने के पहचान के आधार पर आपके लिए नए अवसर और नए सफलताओं के द्वार खोले जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर आज भारत ने अपना तिरंगा विश्व स्तर पर केवल नहीं मंडराया है, लेकिन भारत ने अपना तिरंगा चांद पे भी लहरा दिया है। G20 की भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
सिद्ध कर दिया है पूरे विश्व को कि जब व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, कल विश्व हमारे ही भारत पर निर्भर होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है 9 वर्ष में 11 नंबर से, और अगले 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में उभरेगी। मेरे भाई और बहनों, लेकिन उसके पहले हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वयं जीवन में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष को अपना सबसे करीबी मित्र बनाया है। आज आपके समक्ष हम संकल्प लेते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आपसे और आपकी कार्यशैली से हम सीखते रहें और सही दिशा में अपने देश के निर्माण में एक एक व्यक्ति हम लोग सब अपना योगदान देते रहें। सिंधिया स्कूल के 125वीं जयंती पर मेरे तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अंत में हृदय के गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम कृतज्ञ हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे हम सभी को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी चौहान का। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके मुखिया आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय अजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय साथियों, और प्रसन्नता की बात है कि छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र भी केवल देश नहीं, देश के बाहर से यहाँ पधारे हैं। आज सबसे पहले गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए यही लोक और परलोक में, मतलब मनुष्य एक सफल सार्थक जीवन जीते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। भारत ने हमेशा कहा है शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, 1 ज्ञान देना, 2 कौशल देना और 3 नागरिकता के संस्कार देना। पीढ़ियों द्वारा संचित ज्ञान को इस पीढ़ी तक और जोड़ के पहुंचा देना, यह ज्ञान देना है। मनुष्य को, विद्यार्थी को अपने भावी जीवन में आजीविका प्राप्त करने के लायक बना सके, ये कौशल देना है। और देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी नागरिक तैयार करना, ये शिक्षा का 3 उद्देश्य है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सिंधिया स्कूल ने
अपने स्थापना काल से ही इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं पूरे स्कूल के प्रबंधन को बधाई देता हूं। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि भारत में कई वर्षों से चर्चा होती रही शिक्षा पद्धति को बदलने की, मेकाली की शिक्षा पद्धति कैसे बदले, अनेकों कमीशन बने, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, पता नहीं कितने अलग अलग आयोग बने, लेकिन शिक्षा नीति वहीं की वहीं रही। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए तो नई शिक्षा नीति जो बहुत सार्थक है और जिसका पूरे देश ने हृदय से स्वागत किया है बनाकर लागू कर दी गई है। अब सरकारी स्कूलों में भी आदर्श शिक्षा की व्यवस्था और ये तीनों उद्देश्य जो मैंने बताए थे उनकी पूर्ति की व्यवस्था की गई है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जिन्होंने अमूल्य शिक्षा नीति भारत को दी है। पीएम श्री स्कूल समाज के उन परिवारों के जिनके बच्चे विपन्नता में जन्म लेते हैं उनको बेहतर शिक्षा देने का बहुत सार्थक प्रयास है। और मध्य प्रदेश में भी सीएम राज स्कूल जैसे स्कूल बना के हम शिक्षा को न केवल भारतीय संस्कारों से जोड़े रख रहे हैं बल्कि हम उसको आधुनिक भी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सब अपने प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है और मैं धन्यवाद भी देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्हीं का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग है कि मध्य प्रदेश जो कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य कहलाता था आज विकसित प्रांतों की पांत में आके खड़ा हो गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद सदैव हमें मिला। उनका कल्पनाशील मस्तिष्क, उनका प्रखर नेतृत्व, उनकी उत्कट देशभक्ति हम सबको बहुत कुछ करने और सीखने का अवसर देती है। और इसलिए विद्यार्थियों से, बच्चों से मैं केवल इतनी कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को आप सुने लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा जीवन जीने की भी कोशिश करें तो अपना जीवन सचमुच में अमूल्य होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को का हृदय से स्वागत करते हुए और इतने अच्छे विद्यालय के लिए, विद्यालय की टीम को जिन स्थापना की, माधवराव श्रद्धेय माधवराव प्रथम जी को और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक जो पूरी श्रृंखला चली है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरक शब्दों के लिए। देवियों और सज्जनों, सिंधिया स्कूल की 125वीं जयंती को आपके लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने अनेक प्रयास किए हैं और उनमें से एक अनूठा प्रयास है भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से स्मारक डाक टिकट जारी करना। सनद रहे कि डाक टिकट किसी भी संस्था की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का एक दस्तावेज है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापना वर्ष पर जारी स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण करें। भारत के ख्यातनाम डाक टिकट आकल्पक श्री शंखा सामंत ने इस कार्य में सहयोग दिया। इस डाक टिकट के रूपांकन में सिंधिया स्कूल प्रशासकीय मंडल के सदस्य श्री महेश गांधी जी का मार्गदर्शन बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय एवं आप सभी गणमान्य अतिथियों का। देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा। मैं प्राचार्य महोदय श्री अजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा करें। प्राचार्य महोदय श्री अजय सिंह। माननीय प्रधानमंत्री जी,
सर्वप्रथम तहे दिल से आपका आभार कि आप यहाँ पर आए और हम सभी का आपने ना ही सम्मान बढ़ाया बल्कि एक उत्साह का प्रवर्धन किया। इसी क्रम में हमारे विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत ही प्रेरणादायक होगा कि आपके कर कमलों से उनको जो ये अवार्ड्स मिले हैं वो प्रदान हो। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा कक्षा 12वीं के सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को गवर्नर मेडल के लिए। गवर्नर मेडल दिया जाता है गौरव मेहरा को। मैं गौरव मेहरा को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर कि वो मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना मेडल ग्रहित करें और उनका आशीर्वाद लें। अब मैं आमंत्रित करूंगा जयेश निठरवाल को कि वो मंच पर आएं और सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले गवर्नर मेडल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण करें। खेलकूद शिक्षा एवं पाठसह गतिविधियों में समान रूप से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जाने वाला महाराजा जिवाजी राव सिंधिया मेडल प्रदान किया जा रहा है मयंक चौधरी को। ये जानना जरूरी है कि मयंक चौधरी एनडीए में प्रशिक्षण ले रहे हैं जिस कारण हम उनके सौभाग्यशाली माता पिताजी श्रीमती रौली चौधरी जी और कर्नल मलय चौधरी जी को ये गवर्नर मेडल लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है। हमारा पूर्व छात्र मयंक एनडीए में प्रशिक्षु है जिस कारण वो यहां पर अनुपस्थित हो रहा है। श्रीमती रौली चौधरी जी और कर्नल मलय चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेलों में सर्वोत्तम प्रदान करने के पश्चात अब हम बढ़ते हैं खेलकूद शिक्षा एवं पाठसह गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले सदन को दी जाने वाली जनरल एफिशिएंसी शील्ड। इस बार यह शील्ड दो सदनों को दी जा रही है रानोजी और महाजी सदन। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन छात्रों को जनरल एफिशिएंसी शील्ड प्रदान करने की कृपा करें। इन सभियों का तालियों से अभिनंदन करें। सीनियर छात्रों की तरह ही खेलकूद शिक्षा एवं पाठ सह गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जूनियर सदन को दी जाने वाली खुर्शीद लकड़ावाला जूनियर हाउस एफिशिएंसी शील्ड इस बार प्रदान की जाती है दत्ताजी सदन को। अभिनंदन दत्ताजी सदन। अब हम बढ़ते हैं माधव अवार्ड की तरफ। प्रधानमंत्री जी, सिंधिया स्कूल के भूतपूर्व छात्रों को दिया जाने वाला माधव अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। यह प्रशस्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा जब दिया जाएगा तो हम अति उत्साहित होंगे। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि श्री रंजन टंडन जो इस वर्ष के माधव अवार्डी हैं उनको माधव अवार्ड प्रदान करने की कृपा करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का अभिनंदन कीजिए श्री रंजन टंडन जी का। शिक्षा जगत में समाज सेवा में श्री रंजन टंडन जी ने हम सबका नाम और मान बढ़ाया है।
सिंधिया स्कूल में रहते हुए इन्होंने यहाँ अच्छी शिक्षा की और उसके बाद यह IIT से अपना शिक्षा ग्रहण करके हेलीबर्टन में, DCM में और इंटरमरीन में CFO के पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा अपनी सब पत्नी के साथ मिल करके हार्वर्ड स्कूल के लिए, येल यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप्स का प्रदान का संचालन किया है। आधुनिक सृजनात्मकता के उथल पुथल में हम श्री रंजन टंडन जी को एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र के रूप में माधव पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं माधव अवार्ड से सम्मानित श्री रंजन टंडन जी को कि आपसे हमसे छोटे छात्र सिंधिया स्कूल के रघुवीर कोचर को आप माधव फ्लेम और माधव ट्रेडिशनल फ्लैग को प्रदान करें। रघुवीर कोचर मंच के सामने आ चुके हैं और आपसे यह सम्मान प्रदान करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। रंजन टंडन जी, रघुवीर कोचर सिंधिया स्कूल की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में इस धरोहर को स्वीकारेंगे और शब्दबद्ध होकर इसे आगे ले जाएंगे। With reverence and oath and pride, I hand over to you the school flag and the lamp as a symbol of the cherished values and traditions of the school. Protect them and nurture them as your most sacred duty. Let the flag fly high forever and the lamp may be carried in the heart of every Sindhian to bring a touch of light where there is darkness and warmth where there is suffering. I trust that you will never fail in your duty. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अभी आप सिंधिया स्कूल की इस सुंदरतम परंपरा के साक्षी बने। अब मैं बड़े ही आदर के साथ पुकारना चाहूंगा वह नाम जिसे सुनने के लिए आप इतने दूर से यहां आए हैं, जिनके आगमन से ये धरा प्रदीप्त हो उठी है, जिनकी उपस्थिति से उत्साह का ज्वार आसमान को छू रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे वक्तृत्व पटल पर आकर हम सभी को संबोधित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया स्कूल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्कूल मैनेजमेंट के साथी और सभी कर्मचारी, अध्यापक और अभिभावकगण और मेरे प्यारे युवा साथियों, सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को इसकी भी बधाई देता हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां इस गौरवमयी इतिहास से जुड़ने का अवसर दिया। ये इतिहास सिंधिया स्कूल का भी है और इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का भी है। ऋषि ग्वालिपा, संगीत सम्राट तानसेन, श्रीमंत महाजी सिंधिया जी, राजमाता विजया राजे जी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस्ताद अमजद अली खां तक ग्वालियर की ये धरती पीढ़ियों को प्रेरित करने वालों का निर्माण करती रही है। ये धरती नारी शक्ति और वीरांगनाओं की तपोभूमि है। महारानी गंगाबाई ने इसी धरा पर अपने गहने बेचकर स्वराज्य युद्ध की सेना तैयार कराई। इसलिए ग्वालियर आना अपने आप में बहुत सुखद होता है और दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। आज जिस प्रकार काशी का विकास हो रहा है उसको देखकर महारानी बेजाबाई और महाराज माधोराव जी को उनकी आत्मा जहां भी होगी कितनी प्रसन्नता होती होगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और मेरे से मैंने कहा दो वजह है और दूसरी वजह भी बता देता हूं। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। और एक भी नाता है, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था और मेरे गांव में जो सबसे पहली प्राथमिक स्कूल बनी वो गायकवाड़ परिवार ने बनाई थी। और मेरा सद्भाग्य है कि मैं मुफ्त में उस प्राथमिक शिक्षा लेता था वहां पर, जो स्कूल गायकवाड़ जी ने बनाई थी। साथियों, हमारे यहां कहा गया है मनस्य कम वचस्य कम कर्मणे कम महात्मा नाम, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही कहते भी हैं और करते भी हैं। यही एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर एक साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर एक दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए और अगर एक शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल
उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था, वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधवराव जी ने जिस भारतीय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी वो आज भी दिल्ली में डीटीसी के रूप में चल रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर भी उनका उतना ही ध्यान था। उन्होंने उस कालखंड में पानी के लिए, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी। ये जो हरसी डैम है वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है। ये डैम आज भी लोगों के काम आ रहा है। माधवराव जी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूरदृष्टि सीखने योग्य है। एजुकेशन हो, करियर हो, जीवन हो या फिर पॉलिटिक्स, शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। साथियों, साल 2014 में जब देश ने मुझे ये प्रधान सेवक का दायित्व दिया तो मेरे सामने भी दो ऑप्शन थे, या तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या फिर लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाएं। हमने तय किया कि हम 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे अलग अलग टाइम बैंड रखकर इनके लिए काम करेंगे। आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए। ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन दी जाए। ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि जीएसटी को लागू करना है। ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना। आपने देखा होगा अभी कुछ सप्ताह पहले ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाया गया है।
ये काम भी दशकों से पेंडिंग था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। मेरे पास कामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरी रात बीत जाएगी। ये तो कुछ बड़े फैसले मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर हमारी सरकार ये फैसले नहीं लेती तो इसका बोझ किस पर ट्रांसफर होता? अगर हम ये नहीं करते तो कैरी फॉरवर्ड कहां होता? आपकी जनरेशन पर होता। तो मैंने आपकी जनरेशन का कुछ बोझ हल्का कर दिया है। और मेरी कोशिश यही है कि आज की यंग जनरेशन के लिए देश में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, एक ऐसा माहौल जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सिंधिया स्कूल अपने 150 साल पूरे करेगा, एक अहम माइलस्टोन पर होगा। ये माइलस्टोन होगा भारत की आजादी के 100 साल। आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाकर दिखाएंगे और ये आपको करना है, भारत की यंग जनरेशन को करना है। मेरा विश्वास है, आप युवाओं पर मेरा विश्वास है, आप युवाओं के सामर्थ्य पर मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इस सपनों को संजो करके काम करेंगे, सपने संकल्प में बदलेंगे और संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने तक रुकेंगे नहीं। अगले 25 साल आपकी लाइफ के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है। सिंधिया स्कूल के हर स्टूडेंट का यह संकल्प होना चाहिए, मैं बनाऊंगा विकसित भारत। साथियों, करोगे ना? करोगे ना? मैं नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हर काम करूंगा। मैं इनोवेट करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहूं या फिर किसी भी प्लेस में, मैं भारत को विकसित बनाकर ही रहूंगा। और साथियों, जानते हैं, मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीदर जी, अभी जिन्होंने यहां शानदार प्रस्तुति दी, मीत ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान, और मेरे मित्र
नितिन मुकेश भी यहां बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं। मेरे युवा साथियों, विष्णु पुराण में लिखा है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली है। आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। तेईस अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। अभी G20 में भी आपने देखा कैसे भारत का परचम लहराया। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में नंबर वन है। आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह ही आपने देखा है कि गगनयान की टेस्ट फ्लाइट और क्रू एस्केप सिस्टम का कैसे सफल परीक्षण किया गया है। ग्वालियर में तो एयरफोर्स का इतना बड़ा बेस है। आपने आसमान में तेजस की उड़ान देखी है। आपने समंदर में INS विक्रांत की हुंकार देखी है। आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हर सेक्टर में आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज बना रहा है। आप सोचिए, साल 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज भारत में स्टार्टअप्स का आंकड़ा 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। बीते कुछ सालों में भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। आप लोग भी जानते हैं कि एक यूनिकॉर्न मतलब कम से कम 8,000 करोड़ रुपए के कंपनी। सिंधिया स्कूल के विद्यार्थियों को भी यहां से जाने के बाद यूनिकॉर्न्स बनाने हैं, अपने स्कूल और देश का नाम रोशन करना है। The world is your oyster.
और सरकार के तौर पर हमने भी आपके लिए नए नए सेक्टर्स ओपन कर दिए हैं। पहले सैटेलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी, हमने स्पेस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए उसे भी ओपन कर दिया है। हमने डिफेंस इक्विपमेंट भी या तो सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी, हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया। ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी। इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। साथियों, यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेस के नाम देख रहा था और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे, स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महाजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, नीमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला, आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं, वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है, आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन, मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर 1 हो, अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता। आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट, जितना हो सके पहले अपना देश देखिए,
अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए, इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है, इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नौवां, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है, इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज नमो ऐप पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं व्हाट्सएप पर भी हूं, वहां से आपसे कनेक्ट हो सकता हूं। आप चाहे तो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साथियों, जीवन ऐसे ही हंसी मजाक में चलते रहना चाहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है, बल्कि एक विरासत है। महाराज माधवराव जी के संकल्पों को स्कूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है। अब इसकी ध्वजा आपके पास है। थोड़ी देर पहले जिन युवा साथियों को पुरस्कृत किया गया है, मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं। एक बार फिर सिंधिया स्कूल को और सभी युवा साथियों को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री जी, हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 9 जिम्मेदारियां आपने हमें दी हैं, सिंधिया स्कूल का एक एक बालक
उसे पूर्ण जीवन निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों के साथ जड़गाहट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके स्नेहिल एवं उत्साहमयी अभिभाषण के लिए। आप स्वयं आचार्य हैं, आपके कर्तव्यरत जीवन की झलक और आपके विचारों से अभिभूत सिंधिया स्कूल की संस्थापना का 125वां जयंती उत्सव चिरकाल तक स्मरण रहेगा। आप सिंधिया स्कूल में पधारे, हम सभी छात्र आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।